मोहम्मद डैम शुरू भी होगा और खत्म भी होगा इंशाल्लाह, किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। मैं बड़ा क्लियर हूँ, आप लोग समझे, ये सियासतदान मुल्क को धकेल कर अपने लोगों का हक बार कर अपनी अफवाज की साजिश करें, अपनी जुडिशरी के लिए साजिश करें, फिर इनकी सियासत चमकती है। अब उस सियासत को दफन करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 3-4 महीनों में बल्दिया में कोई काम नहीं हो, 100 मसले तो 7 मसले भी अपने हाथ में, 5 जरूर देगा। पहली दफा सिंध गवर्नमेंट ने 1% चांस है कि काम हो जाए, मैं वो चांस लूंगा लूंगा लूंगा। अल्लाह ताला तो हमारी गवर्नमेंट गिरा सकता है, उसका बाप भी वरना नहीं गिरा सकता। क्या आपको पता है कि मुल्क के अंदर एक हिस्सा मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, आप समझ ही गए हो, उनसे कहे कि खुद ना कहीं गुमशुदा हो जाए। इनमें अब यही काम का चलता रहेगा, एक जेल से निकलता रहेगा, दूसरे जेल जाता रहेगा। मैं आज जाकर वजीर आला साहब को बताऊंगा, एक दफा राइटिंग भेजूंगा, इसी दफा आपके साथ वफाकी वजीर खड़ा होगा कि लाइनें तोड़ो, कनेक्शन बंद करो, चैप्टर क्लोज करो, रेडी स्टडी गो होगा। तीसरी दफा में ऐसा ही होगा। भाई साहब ने कहा 5 साल नहीं पूरा करेंगे, अंदर से हल्की से आवाजें थे आपके भाई ने कह दी थी, 15 साल पूरे करेंगे।